रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के डूंडीगल में एयरफोर्स अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि अब आप जिस संगठन के अंग हैं उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के हौसले पस्त करने वाले शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया है। आपने जो अनुभव लिए हैं सर्विस के दौरान, आपके अनुभव उससे बहुत अलग होंगे। हमें उनके लिए न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की दृष्टि से भी तैयार रहना होगा। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। हालांकि हमने यह दिखा दिया है कि अब यह हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं रहा है, यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकब्बल जवाब देने की कुवत रखता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की प्रशंसा और समर्थन कई बड़े देशों द्वारा भी हुई है। आप सब भी इससे अवगत होंगे, हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।